नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं कि भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर बनी होगी, जिससे आप सभी लोग अपने ही घर पर मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो सिंह राशि वालों के लिए बेहद खास होने वाली है, क्योंकि इनके जन्म कुंडली में कुछ एर फेर हुआ है और इनके कुंडली का लेखा जोखा बदल चुका है। अब इनकी किस्मत पलटने वाली है। आपके लिए बड़ी खुशखबरी है, आज के दिन कर्म क्या देगा, आज के दिन आपको फल आज शाम 4:21 पर आपकी किस्मत पलटने वाली है और आपके घर पर बड़ी बड़ी खुशियां आने वाली हैं और आपको बहुत बड़ा बड़ा धन भी मिलने वाला है। आपका किराया मिल सकता है, या अगर आपका कोई चीज जो है किराए पर चलती है, उसके साथ साथ आपके घर पर आपका पैसा मिल सकता है जो उधारी आप लोगों ने किसी को दिया था। उसी के साथ साथ आपको आज के दिन बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ आपका बकाया पैसा मिल सकता है और बैंक बैलेंस से जो लोग लोन लेना चाहते थे उनको लोन मिल सकता है। और इसी के साथ साथ नौकरी उन लोगों को मिलेगी जो बहुत ही दिनों से प्रयास कर रहे थे और नौकरी के लिए बहुत ही मेहनत कर चुके हैं। कंपटीशन लेवल को देखते हुए मेहनत बहुत ही किया है, उन लोगों को नौकरी मिलेगी। उसी के साथ साथ स्वास्थ्य सिंह राशि वालों के लिए बेहद अच्छा परिणाम देगा। इनका स्वास्थ्य अगर पहले खराब था तो अब जाकर इनको कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य के साथ साथ उन लोगों को भी फायदा होगा जो अपने करियर से बहुत ही परेशान थे, उनका करियर नहीं सही हो पा रहा था, वो अपने करियर को लेकर बहुत ही चिंतित रहते थे, तो उनको भी लाभ होने वाला है। क्योंकि सिंह राशि के जातकों के लिए आज के दिन बहुत बड़ा दिन है और आज के दिन आप लोगों को इस वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि आपके किस्मत में क्या लिखा है वो तो होकर रहेगा, लेकिन दोस्तों आज के दिन आपके राशिफल में क्या लिखा है और आज शाम 4:21 पर आपके ऊपर माता लक्ष्मी स्वयं खुश हुई हैं, तो क्यों खुश हुई हैं उसके बारे में जानना आप लोगों को बेहद जरूरी है। क्योंकि आज शाम आप लोगों को 4:21 पर क्या क्या मिलने वाला है और उसी समय आपको कुछ सावधानी भी बरतनी है, क्योंकि अगर इस समय आप कुछ गलतियां कर जाएंगे तो माता लक्ष्मी नाराज हो जाएंगे। तो आज शाम 4:21 पर सिंह राशि वाले जातकों के लिए थोड़ी सी सावधानी बरतनी है, क्योंकि दोस्तों अगर माता लक्ष्मी आपके ऊपर नजर डालेंगे तो आप अच्छे काम करते हुए उन्हें दिखें, ताकि आप के ऊपर जो है माता लक्ष्मी अपना हाथ फेर दें और आपकी किस्मत बदल जाए। क्योंकि आज शाम 4:21 पर माता लक्ष्मी स्वयं सिंह राशि को देखने आपके घर पर आएंगे, तो उस समय आपको कोई भी गलत काम नहीं करना है, काम करते हुए आप लोगों को दिखना है और कोई गलत काम आपको नहीं करना है, किसी रिलेशनशिप में नहीं रहना है आज शाम 4:21 पर। क्योंकि दोस्तों उस समय माता लक्ष्मी स्वयं आपकी राशि पर आने वाली हैं, तो आपको कोई गलत काम करते नजर नहीं आना है माता लक्ष्मी के सामने। दोस्तों सिंह राशि वालों के लिए ये वीडियो बेहद खास है, आज के दिन आपके करियर में कुछ सफलता देंगी माता लक्ष्मी, स्वयं आपके करियर पर कुछ बदलाव करने वाली है, उसी के साथ साथ आपके राशि पर कुछ परिवर्तन करेंगी, जिससे आपके घर पर कुछ खुशियां आने वाली हैं, आपके घर पर बड़ी बड़ी खुशियां आने वाली हैं, आपकी लव लाइफ अच्छी होगी, बिजनेस करियर में आप लोगों को सफलता देखने को मिलेगा, नौकरी मिलने की संभावना बेहद ही बढ़ जाएगी। जो लोग स्टूडेंट अपनी पढ़ाई को आगे के लिए स्टार्ट करना चाहते हैं और वो बहुत ही सोच समझ रहे हैं कि आगे पढ़ाई करो या फिर ना करो, उनके लिए बेहद खास रहेगा ये दिन। और आज के दिन आप लोग पढ़ाई के लिए अपने बारे में सोच सकते हैं और फैसला ले सकते हैं। तो चलिए आज हम आपको डिटेल से बताएंगे कहां कहां पर आपको लाभ होना और कहां कहां पर आपको सावधानी बरतनी है। दोस्तों सिंह राशि के व्यक्तियों के व्यक्तित्व की बहुत ही शानदार व्यक्तित्व होता है, इनका व्यक्तित्व इनकी राशि के प्रतीक सिंह यानी कि शेर के समान होता है। आपके राशि के जो स्वामी है वो सूर्य है। सिंह राशि के लोगों के स्वभाव के नेतृत्व का गुण जन्मजात होता है, यह लोग निडर साहसी और दृढ़ निश्चयी होते हैं, ये लोग एक राजा की तरह जिंदगी जीने में यकीन रखते हैं, इनका व्यक्तित्व बेहद ही जोशीला और आकर्षक होता है, यह लोग बेझिझक अपनी बात सामने रख देते हैं चाहे जो हो, अपने फैसलों पर अड़े रहते हैं। इनके
रहते कोई भी व्यक्ति इनको नजरअंदाज नहीं कर सकता है। अगर इनको कोई नजरअंदाज करता है तो ये व्यक्ति उन लोगों से कभी भी नहीं बोलते हैं। ये स्वभाव से बहुत ही ईमानदार होते हैं। अगर दोस्तों करियर की बात करें तो यह वर्ष करियर के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण रहेगा। दशम भाव में दशम भाव पर स्थित राशि यानी कि स्वामी आपके जो दशम भाव में स्थित है वो है शनिदेव, जो 17 जनवरी से आपकी सातवें भाव पर गोचर कर चुके हैं। व्यापारिक व्यवस्थाओं के लिए नई योजनाओं को साकार करने में आपकी बहुत मदद करेंगे। अप्रैल के बाद देव गुरु बृहस्पति गोचर मेष राशि यानी कि आपके भाग्य भाव में होगा। देव गुरु बृहस्पति आपके व्यापार और नौकरी में कुछ नई उपलब्धियों को मिलने का संकेत करते रहेंगे और इस साल आप किसी के साथ साझेदारी में कोई नया व्यापार शुरू कर सकते हैं। इस साल आपके गुप्त शत्रु आपके सामने पूरी तरह से परास्त होंगे। सिंह राशि के जातकों को नौकरी में उनको अपनी नौकरी में भरपूर मान सम्मान मिलेगा। परिवार कैसा रहेगा? सिंह राशि जातकों का परिवार में इस बार सामंजस्य बना रहेगा। थोड़ी सी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, कभी कभी परिवार में दिक्कतें आ सकती हैं और जीवन साथी के साथ सातवें में भाव में शनिदेव है, वैसे तो परिस्थितियों को बेहतर रखेंगे लेकिन कभी कभी सामंजस्य बनाए रखना है, क्योंकि जरूर नहीं कि अप्रैल तक अष्टम भाव में शनि पारिवारिक जीवन को बेहतर बना रहे हैं। अप्रैल के बाद बृहस्पति योगाकार होंगे। संतान भाव में उनकी दृष्टि संतान की इच्छा रखेंगे और दंपत्य जीवन में आपको सिद्धि मिल सकता है। अगर स्वास्थ्य की बात करें तो इस वर्ष सिंह राशि के जातकों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां कम रहेंगी। छठे भाव के स्वामी शनि आपकी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में गोचर करेंगे और शनि का यह गोचर स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों की समाप्ति का संकेत देता है। अष्टम भाव में स्वराशि के बृहस्पति किसी पुरानी स्वास्थ्य की समस्या से छुटकारा मिलने का संकेत करते हैं, लेकिन अप्रैल के बाद कुछ सावधानियां आपको रखनी चाहिए जिससे आपकी कोई बीमारी फिर से आपको परेशान न करे। आकस्मिक